أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو بزرگوں ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں جمعرات کے روز جو لائیو بیان ہوتا ہے آج ہمارا تو آج کا جو عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے منتخب کیا ہے بہت اہم عنوان ہے کہ حرام مال حرام کمائی کے برے اثرات جی ہاں پچھلے ہفتے شب معراج کا موقع تھا اس اعتبار سے ہم نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اہم واقعہ ہے معراج کا واقعہ جس کا اللہ نے اور خود اللہ کے محبوب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم نے بڑی تفصیلی بیان کی تھی تقریباً 50-55 منٹ پر اور آج ہم نے جو عنوان سلیکٹ کیا ہے منتخب کیا ہے کہ حرام مال کے حرام کمائی کے کتنے برے اثرات خود کی زندگی پر ہوتے ہیں اولاد پر ہوتے ہیں پوری فیملی پر اس کے اثرات آتے ہیں پوری زندگی پر اس کے اثرات کیسے آتے ہیں اور حلال کمانا کتنا ضروری ہے اس کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور حرام کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں کہ اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سندیش کو سامنے رکھتے ہوئے آیات اور کچھ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جی ہاں دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ حلال کمائی اور حرام سے بچنے کی شریعت میں بہت تلقین آئی ہے جس قرآن کو ہم مانتے ہیں جس نبی کو ہم مانتے ہیں جس رب کو ہم اپنا خالق مالک مانتے ہیں اور جس رب نے ہماری زندگی کا پورا سسٹم بنایا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے اس نے ہمیں جو آدیش دیے ہے اس میں حلال کمائی کا حکم دیا ہے اور حلال کمائی کے فائدے بھی بتائے ہیں اور حرام سے بچنے کی قرآن اور حدیث نے شریعت نے بہت تلقین کی ہے
और हमें इस बात की तलकीन की गई है कि हम जो कुछ भी ज़राए आमदनी, जो कुछ भी हम कारोबार कर रहे हैं, जो कुछ भी हम आमदनी कर रहे हैं, चाहे हम तिजारत करते हो या हम फिर कारोबार करते हो या हम नौकरी करते हो, जो कुछ भी हम ज़राए आमदनी इख्तियार किए हुए हैं, शरीयत ने हमें तलकीन की है कि हम उसमें गौर करें कि कहीं किसी तरीके से हराम माल और हराम कमाई तो हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो रही है। बहुत शरीयत ने इसकी तलकीन की है और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमको बचाया गया है, बताया गया है कि जो कुछ हम कारोबार कर रहे हैं हम इसमें पूरा गौर करें कि कहीं रिश्वत तो नहीं आ रही है, कहीं सूद तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्याज तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारी कमाई धोखे से फ्रॉड से भरी हुई तो नहीं है, कहीं हम झूठ बोलकर तो नहीं कमा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की तलकीन हमें की गई है क्योंकि हराम कमाई के और हराम के बड़े बुरे असरात जिंदगी पर पड़ते हैं, औलाद पर पड़ते हैं और अपनी पूरी फैमिली पर पड़ते हैं, यहां तक के दुनिया भी तबाह होती है, दुनिया का सुकून भी खत्म होता है और मरने के बाद भी फिर इसके बड़े बुरे असरात आते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आइए सबसे पहले हम कुरान पाक की आयत, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह कहता है मैंने तिजारत को, खरीदो फरोख्त को, बेय को, बिजनेस को तुम्हारे लिए हलाल किया है, वह हर्रम रिबा और सूद को तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। जी हाँ, अल्लाह कह रहा है और अल्लाह कहता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि तुम अपने दरमियान एक दूसरे के माल को गलत तरीके से न खाओ। अल्लाह कह रहा है यानी अल्लाह ने हलाल कमाई का इशारा किया है कि हलाल जितना कमा सकते हो बिल्कुल कमाओ, हलाल कमाने में आप चाहे कितना कमाओ बिल्कुल कोई ममानियत नहीं है, लेकिन हराम रत्ती बराबर भी अगर तुम्हारे माल में, तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारी कमाई में अगर शरीक हो जाता है, रत्ती बराबर भी हराम माल अगर तुम्हारी कमाई में आ जाता है तो फिर उसके खतरनाक असरात और नताइज तुमको अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा, यहां तक कि तुम्हारी औलाद भी भुगतेगी। जी हां, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कमाई के ताल्लुक से, आज हमारा उन्वान है हराम कमाई और हराम माल के बुरे असरात, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به رواه احمد। यह हदीस पूरी मैंने आपके सामने पढ़ी के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गोश्त, वो गोश्त यानी वो बॉडी, वो जिस्म, वो बदन, वो गोश्त का टुकड़ा जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश हराम माल से हुई हो। जी हाँ, प्यारे आका फरमाते हैं कि वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकता जो हराम से परवरिश पाए, और हर वो गोश्त, अगला जुमला देखें कि प्यारे आका फरमाते हैं कि हर वो गोश्त जो हराम से परवरिश पाए उसके लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। जी हाँ, यानी मेरा ये बदन है, मेरी ये बॉडी है ना, ये पूरा गोश्त का यूं समझिए कि लोथड़ा ही है। जी हाँ, चाहे वह हाथ की शक्ल में हो, पैरों की शक्ल में हो, चेहरे की शक्ल में हो, आंखों की शक्ल में हो, जो भी है ये पूरा गोश्त है, ये मेरा पूरा बदन जो है वो गोश्त है, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये गोश्त, ये बदन, ये बॉडी, ये जिस्म जन्नत में नहीं जा सकती अगर इसकी परवरिश अगर हराम माल से हुई हो। अब इस हदीस से मैं बात शुरू कर रहा हूं। जी हाँ, और दूसरी हदीस प्यारे आका सल्लम की है अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا।
बड़े प्यारे अल्फाज है, प्यारे आका फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक है, पाक है, और अल्लाह पाक चीज के अलावा किसी को कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक है और आपका जिस्म पाक होगा अल्लाह कबूल करेगा, उस पर इनाम देगा, जन्नत का हकदार बनाएगा। अगर आपका जिस्म नापाक और हराम माल से पला बड़ा है और आपने अपने जिस्म को गजा दी है, हराम कमाई से आपने अगर गजा दी है, तो याद रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। जी हाँ, अब अल्लाह ने इस इंसान के लिए कारोबार भी रख दिया है और अल्लाह ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं तुम्हें हलाल कारोबार का, हलाल आमदनी का, हलाल कमाई का हुक्म देता हूं और मैंने तुम पर हराम कमाई को हराम कर दिया है। और जो जिस्म हराम बॉडी से पलेगा बढ़ेगा वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। आइए अब थोड़ी सी मैं आपके सामने तफसील कर दूं। जी हाँ, और ये इसलिए मैंने उनवान चुना क्योंकि इसके हराम कमाई के असरात बड़े खतरनाक पड़ते हैं। और आज हम लोगों का मसला ये हो गया है कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, जकात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, माशा अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर साल उम्रे भी कर रहे हैं, लेकिन अजीब चीज है कि वो अपनी कमाई पर ध्यान नहीं देते हैं कि कमाई भी कोई गलत चीज, हराम चीज, सूद, लेन देन, ब्याज, रिश्वत, कोई हराम कमाई तो हमारे माल में शामिल नहीं हो रही है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमारी पूरी शरीयत हमें तलकीन करती है कि हराम माल से बचो, हराम माल से बचो, हमेशा हलाल खाओ, हलाल खाओ, अपनी औलाद को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को हलाल खिलाओ। जी हां, और एक आयत तो बड़ी अजीब है कि अल्लाह कहता है قل اے محمد کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث ولا الطيب کہ اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دیجئے کہ حرام اور حلال جی ہاں ناجائز اور حلال کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو آئیے آج ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم کاروبار تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ نمازیں روزے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ بھئیا نماز الگ چیز ہے کاروبار الگ چیز ہے اور ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ کاروبار تو بغیر جھوٹ بولے کے بغیر فراڈ کیے کے بغیر دھوکہ دیے کے کاروبار تو چلے گا ہی نہیں دماغ میں ہمارے یہ بیٹھ گیا اور ہمارا ایک اور پرابلم ہے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سب تو کر رہے ہیں وہ حاجی صاحب بھی تو کر رہے ہیں وہ پانچ وقت کے نماز یہ ماشاءاللہ داڑھی اتنی بڑی ہے اور ماشاءاللہ جبہ بھی ہے اور پنڈلیوں تک آدھی پنڈلی تک کے پیجامہ ہیں بڑے متقی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں وہ بھی تو سب ایسے ہی کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی تو دھوکہ دے رہے ہیں اور مارکٹ میں تو دھوکے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے جھوٹ بولے بغیر چل ہی نہیں سکتا فراڈ کیے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے یہ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے لیکن اگر ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں عاشقان رسول کی زندگی پڑھیں تو آپ کو ہم کو پتا چلے گا کہ صحابہ بھی بڑے بڑے کاروباری تھے بڑے بڑے بزنس مین تھے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے کاروبار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار نہیں کیا خود نبی نے کاروبار کیا نبی نے تجارت کی نبی نے بزنس کیا صحابہ نے بزنس کیا اور بڑا بڑا بزنس کیا میں آپ کو جملہ کہہ دوں تو آپ تعجب کریں گے کہ آج جن کو ہم مالدار سمجھتے ہیں اگر ہم انڈیا کے رہنے والے تو ہم سمجھتے ہیں ٹاٹا برلا ریلائنس امبانی اڈانی میں آپ کو صاف طور سے کہوں گا کہ صحابہ نے اتنے بڑے بڑے کاروبار بھی کیے ہیں کہ یہ ٹاٹا یہ برلا یہ اڈانی یہ امبانی صحابہ کے جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے بزنس میں صحابہ نے ایسے بھی بزنس کیے ہیں لیکن بڑے پاکیزہ طریقے سے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں جی ہاں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آج ہم کر رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سبھی تو کر رہے ہیں
ओ भाई सब कर रहे हैं, हाजी साहब कर रहे हैं, नमाजी साहब कर रहे हैं, दाढ़ी वाले अगर धोखा दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए भी धोखा जायज हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। हमें तो अपने कारोबार का रुख सही करना है। दूसरे हराम कमा रहे हैं लेकिन तय करना है कि हम नहीं कमाएंगे, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फ्रॉड नहीं करूंगा। याद रखो आपकी हराम कमाई के असरात आपके आमाल पर भी पड़ते हैं, आपकी जिंदगी पर भी पड़ते हैं, आपकी इबादतों पर भी पड़ते हैं, आपकी दुआओं पर भी पड़ते हैं, आपकी औलाद और आपकी फैमिली पर भी इसके असरात पड़ते हैं जी। मैं आपको बताऊं दुआ ही के बारे में आपको बता दूं, अगर हमारी कमाई हराम है, हराम है, और हराम का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप गर्दन मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, सिर्फ यही हराम नहीं है, सिर्फ रिश्वत ही हराम नहीं है, सिर्फ सूद और ब्याज भी हराम नहीं है, सिर्फ सूद और ब्याज ही हराम नहीं है, हराम वो भी है कि आप किसी को धोखा देकर कमा रहे हैं, और आप अपनी चीज अगर कोई आपसे खरीदने आया है और आप उसको अपनी चीज का ऐब नहीं बता रहे हैं, ये भी हराम है जी हाँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई गंदम, जैसे उस जमाने में अनाज बिकता था, अगर कोई अपने अनाज, अपने गंदम, अपने गेहूं, अपनी जवारी, अगर वो गीला माल है, गीला माल, और गीले माल को नीचे रख रहा है और ऊपर सूखे माल को रख रहा है और धोखा देकर सौदा कर रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये भी धोखा है और ये भी हराम कमाई है ना। थोड़ा सा बुरा मत लगने देना, आज हम क्या करते हैं, हम भी ये सब धोखा देते हैं। मान लो मिसाल के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल दे दूं, फ्रूट की मिसाल दे दूं, हम क्या करते हैं, कोई 2 किलो आम ले रहा है, कोई 2 किलो मौसम्बी ले रहा है, कोई 2 किलो 1 किलो संतरा ले रहा है, या कोई 1 दर्जन केले ले रहा है ना, या कोई अंगूर ले रहा है, तो हम लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, होशियार समझते हैं, और हम क्या करते हैं कि बकायदा 1 किलो मिसाल के तौर पर कोई सेब ले रहा है, मान लो 6 सेब उसमें आ रहे हैं, तो 2 खराब कैसे डाल देना है उसका हुनर हम जानते हैं, या पैसा ले रहे हैं उससे अच्छे माल का और घुसेड़ रहे हैं उसमें खराब 2-3 पीस, पैसा ले रहे हैं उससे 1 दर्जन अच्छे केले का, लेकिन उस 12 में 3 केले कैसे सड़े हुए डालना है, खराब डालना है, वो हम काम कर रहे हैं जी हाँ। मौसम भी कोई ले रहा है, मिसाल के तौर पर 2 दर्जन उसने मौसम भी लिया, 2 किलो उसने मौसम भी लिया, तो उसमें 3-4 सड़ी हुई और खराब कैसे डालना है ये हम काम कर रहे हैं, जबकि हम उसको बता नहीं रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं उससे अच्छी क्वालिटी का और हम दे रहे हैं उसको गंदा माल भी उसमें शामिल कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लम ने गंदम की मिसाल, गेहूं की मिसाल देकर यह बात कही कि अगर कोई गंदम बेच रहा है और ढेर लगा हुआ है, अनाज का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ऊपर सूखा खन खनाता हुआ अनाज है और नीचे अंदर गीला माल है, जैसे आप कपास बेच रहे हैं, चलिए आइए कपास बेचने वाले भी कभी ऐसा करते हैं, वैसे तो हर धंधे में अलग अलग तरीके से फ्रॉड किया जाता है, लेकिन आप अगर फ्रॉड कर रहे हैं और धोखे से अपना खराब माल, गंदा माल आप बेच रहे हैं, या अपनी चीज का नुक्स और ऐब आप नहीं बता रहे और सामने वाले से पूरा पैसा ले रहे हैं, तो आप गोया के अपने कमाई में हराम को शामिल कर रहे हैं। और अब ये जब हराम आपके हलक में उतरेगा तो अब सुन लो इसके असरात क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है, हालांकि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, माशा अल्लाह नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी इतनी लंबी है और माशा अल्लाह जुब्बा कुब्बा भी पहने हुए हैं, और हम परेशान हैं और दुआएं भी कर रहे हैं, और हमें यह शिकायत है कि दुआ कबूल ही नहीं होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपने फ्रॉड किया है, धोखे से कमाया है, आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। इसके असरात ये आएंगे, यहां तक कि अल्लाह वालों ने कहा कि हराम लुकमा आपके हलक में उतर रहा है, जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हराम का लुकमा हलक में उतरता है तो 40 दिन तक अल्लाह दुआएं और नमाजें कबूल नहीं करता है, और हम हराम कमा रहे हैं और हमें शिकायत है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। अच्छा, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पूरी हलाल कमाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तकवा तो यह है,
परहेजगारी तो ये है कि आप बारीकी से अपनी कमाई पर ध्यान दें। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, औलाद को लेकर परेशान हैं, औलाद में ऐब पैदा हो रहे हैं या औलाद नाफरमान पैदा हो रही है, बीवी से सुकून नहीं मिल रहा है, घर बेहतरीन आलीशान बंगला है मगर नींद नहीं आ रही है, तो हम गौर नहीं करते हैं कि हमारी आमदनी में कहां से हराम आ रहा है। सिर्फ हम समझते हैं कि सुअर खाया तो यही हराम है, शराब पिया तो यही हराम है, रिश्वत लिया तो यही हराम है, ब्याज खाया तो यही हराम है। नहीं, हराम तो ये भी है, हराम तो ये भी है कि जनाब आपने अगर किसी का हक छीना है, मिसाल के तौर पर आपको सरकारी नौकरी लगनी है या आपको सरकारी नौकरी करना है ना, अभी आजकल बहुत ज्यादा होता है कि आप किसी, मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल में टीचर बनना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन आप बाकायदा एक मुस्तैक आदमी का जो हकदार है उसका हक मार रहे हैं और आप मैनेजमेंट को रिश्वत देकर आप बाकायदा टीचर की नौकरी पर लगे हैं। अब आप जिंदगी भर आपके दिमाग में तो यह रहेगा कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर हूं और अपनी हलाल कमाई है। नहीं, आपने बुनियाद हराम कमाई पर रखी है, आपकी बुनियाद हराम कमाई पर रखी है। चलिए आइए एक और मिसाल, मैं नौकरी कर रहा हूं, मान लो टीचर की नौकरी कर रहा हूं या किसी दुकान पर नौकरी कर रहा हूं या कपड़े वाले की दुकान पर नौकरी कर रहा हूं या कहीं पर नौकरी कर रहा हूं, मैं उससे पैसा ले रहा हूं उसके पूरे काम का और मैं उसका काम अधूरा कर रहा हूं, मालिक को एहसास नहीं है मगर मैं अधूरा कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं उसको धोखा दे रहा हूं, तो मैं अपनी कमाई में हराम कमाई शामिल कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर 90% भी आप काम कर रहे हैं और 10% भी आप धोखा दे रहे हैं तो वो 10% आप हराम माल को अपनी कमाई में शामिल कर रहे हैं, और हराम थोड़ा भी शामिल हो गया जैसे मिसाल के तौर पर तो वो पूरी हलाल को भी खराब कर देता है, हलाल को भी खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर एक पूरा गिलास दूध का है, कितना पाकीजा है, कितना अच्छा है, लेकिन एक कतरा अगर पेशाब का उसमें डाल दिया जाए। अब अगर आप मिसाल के तौर पर, चलिए मैं टीचर हूं, मैं 8 घंटे की पगार ले रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं 2 घंटा काम चोरी कर रहा हूं, मैं कपड़े वाले की दुकान पर काम करता हूं, मैं किराना वाले की दुकान पर काम करता हूं, मैं किसी की यहां मजदूरी करता हूं, मैं मजदूरी उससे पूरी ले रहा हूं और मैं जानता हूं कि किस तरीके से मैं उसके यहां काम चोरी कर रहा हूं। मजदूरी तो मैं 8 घंटे की ले रहा हूं, 4 घंटे की ले रहा हूं, 6 घंटे की ले रहा हूं, 10 घंटे की ले रहा हूं, लेकिन काम मैं 2-3 घंटा कम कर रहा हूं और मैं बराबर काम चोरी कर रहा हूं। मैंने अपनी कमाई में हराम माल को शामिल कर लिया है। ढेर सारी इसकी मिसालें हैं। मैं सब्जी बेच रहा हूं, है ना, 1 किलो कोई सब्जी ले रहा है, मैं उसमें 200 ग्राम 100 ग्राम सब्जी खराब कैसे डाल रहा हूं ये मुझे मालूम है और मैं कैसे धोखा दे रहा हूं। हाँ, वो आपने कभी देखा होगा शागिर भाई, पन्नी बदलने का वाकया, इतना जबरदस्त अंदाज में टेक्निक रहती है, आदमी समझता है वाह मैंने तो चुन चुन के मेरे हाथ से सेब डाला था, मैंने तो चुन चुन के मेरे हाथ से टमाटर डाली थी, और फिर घर पे आने के बाद देखते हैं इसमें तो खराब भी आ गए 4-5। वजह उसकी यह है कि जो दुकानदार है वो बड़ा चालाक है, पन्नी बदलना उसको आता है, आपकी थैली आपका 1 किलो माल उसने कैसे बदल दिया वो उसको आता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है लेकिन वो धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है और इसका नतीजा उसको मालूम नहीं है। मैं मेरे मालिक को क्या धोखा दे रहा हूं मुझे मालूम है और मेरा रब जानता है, और रब का कहना है कि अगर तूने धोखे से कमाया, फ्रॉड से कमाया, तो उसके असरात तेरी जिंदगी पर भी आएंगे, तेरी औलाद पर भी आएंगे और तेरी आखिरत पर भी आएंगे। जी हां, अगर तेरे हलक में हराम लकमा तू उतारेगा, हराम यह भी है, हराम यह भी है। आज हम धोखे अलग अलग निराले निराले स्टाइल से हम धोखे दे रहे हैं। जी हाँ, लोग समझते हैं तकवा यह है कि एकदम पैजामा पिंडली आदि पिंडली तक पैजामा हो और इतनी लंबी दाढ़ी हो और माशा अल्लाह पेशानी पे नमाज का टीका भी बहुत बड़ा हो तो अब लोग ये समझ के धोखे में आ जाते हैं और समझते हैं कि ये तकवे का मेयार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तकवे का मेयार नहीं है कि आपका पैजामा आदि पिंडली तक हो और आपका जुब्बा आपके घुटने के नीचे हो और आपकी दाढ़ी आपके सीने तक हो और आपकी पेशानी पर इतना बड़ा
यूं समझे कि निशान पड़ गया हो नमाज का, सजदों का, ये तकवा का मेयार नहीं है। तकवा का मेयार तो ये भी है कि आप आपके हलक में हराम माल ना उतरने दे। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि हराम सिर्फ रिश्वत, सूद, ब्याज और शराब नहीं है या सुअर का गोश्त नहीं है, बल्कि हराम ये भी है कि आप धोखे से कमाएं, फ्रॉड से कमाएं। जी हां, ये भी हराम है। और इसके असरात क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। और अगर आप यही हराम औलाद को खिला रहे हैं तो फिर अल्लाह वालों ने कहा है और अहदीस का खुलासा मिलता है कि औलाद की फर्माबरदारी में भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप हराम कमाई उनके हलक में, धोखे की कमाई, फ्रॉड की कमाई आप उनके हलक में उतार रहे हैं, आपका मालिक नहीं जानता है, लेकिन वो जो सब का मालिक है वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके असरात आपकी औलाद में भी आएंगे और फिर औलाद नाफरमान होगी। अगर किसी ने अपनी औलाद को हराम खिलाया तो औलाद नाफरमान होती है और फिर वही औलाद आगे चल के और वालिदैन को जूते मारती है। फिर वही औलाद जिनको हराम का लुक्मा खिलाकर उनको आसाइशें और आराम की जिंदगी दुनिया में तुमने दी है, तो मां बाप तो फिर हराम माल पर पली हुई औलाद का हाल यह होता है कि फिर वही औलाद मां बाप का सुकून छीन लेती है। आज बहुत सारे लोग हराम तरीके से कमा रहे हैं लेकिन उनकी औलाद ने उनका सुकून छीन लिया। आज मेरे पास में ऐसे भी वाकयात आते हैं, सात सात आठ आठ लड़के हैं जो सब कमा रहे हैं मगर वो औलाद इतनी नाफरमान पैदा हो गई है कि वो माँ बाप को 500 रुपए की दवा महीने में ला कर नहीं दे रही है, जबकि उन्हीं माँ बाप ने करोड़ों रुपए की जायदाद औलाद को दी है, लेकिन माँ बाप ने हराम कमाया था और हलाल और हराम की तमीज नहीं की थी। हम लोग तमीज नहीं करते हैं कि कैसा आ रहा है, हम गौर भी नहीं करते हैं और हमको लगता है भाई चलने दो। बाज लोगों का तो ये दिमाग में होता है बस कमाना है कैसा भी आए, है ना। और फिर कमाने में इतना भी भूल जाते हैं कि मस्जिदों का भी खा रहे हैं, मदरसों का भी खा रहे हैं, यतीमों का भी खा रहे हैं, बहनों का भी हक मार रहे हैं, भाइयों का भी हक मार रहे हैं, धोखे भी दे रहे हैं, अजीब अजीब धोखे दे रहे हैं। अभी मेरे पास में एक स्कूल का वाक्य आया कि मामू ने मुझे बिल्कुल रोकर सुनाया कि मुफ्ती साहब मेरे भांजों ने मेरा खेत, मेरी पूरी जमीन स्कूल के लिए अपने नाम पर कर लिया। हम जब हज को गए थे, हज को गए थे बेचारे भांजों पर भरोसा करके गए, कर लिए जमीन, धोखा। एक वाक्य तो कई वाक्य तो ऐसे आ रहे हैं कि बेचारा बड़ी मेहनत से फॉरेन में कमा रहा है और कमा कमा कर यहां भाई को या किसी को जिम्मेदार बनाकर पैसा भेज रहा है कि आपने, मैं 10-15 साल 20 साल यहां मेहनत करूंगा और फिर मेरी आखिरी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। अब यहां पर पैसा भेज रहा है चाचा को या बड़े अब्बा को या भाई को पैसा भेज रहा है और पता चला कि 30 साल मेहनत करके जब उम्र के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान आया तो पता चला कि एक भी जमीन, एक भी खेत, एक भी दुकान, एक भी मकान उसके नाम पर है नहीं, इसने पूरा अपने नाम पर कर लिया। जब हराम माल मुंह को लग जाता है ना तो फिर आदमी किसी को नहीं छोड़ता है। मेरे पास में एक ऐसा भी वाकया है कि मस्जिद नबवी में एक शख्स खिदमत कर रहा है, इमाम का मुसल्ला बिछाता है, बेचारा बरसों से वो वहां की नौकरी को अपने लिए इज्जत समझता है और अपनी खिदमत और आखिरत समझता है, लेकिन वहां बड़ी मेहनत से वो जो कुछ भी कमाता है वो यहां पर अपने भाइयों को भेजता था और उसको लगता था कि भाई यहां पर मेरे लिए जमीन खरीद रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पता चला 10-15 साल के बाद में कि भाइयों ने उसका भी माल खा गया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, कोई हम पर भरोसा करता है हम उसके साथ फ्रॉड करते हैं, लेकिन असल यह है कि यह धोखा हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। याद रखो, आप कोई बहुत होशियार नहीं है, आप कोई बहुत चालाक नहीं है। इसके नतीजे आपको अपनी जिंदगी में देखने मिलेंगे कि आपका खुद का भी सुकून छिन जाएगा। कई लोगों को हमने देखा है कि रातों को नींदें नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, समंदरों के किनारे पर सुकून तलाश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी 5-star 10-star होटलों में जाकर सुकून तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने सुकून छीन लिया जबकि करोड़ों का बंगला बना हुआ है, करोड़ों की गाड़ियां मर्सिडीज खड़ी हुई है, लेकिन परेशान है सुकून के लिए। लेकिन असल तो
यह है कि हराम कमाई से उसने खूब दौलत जमा किया, बंगला बनाया, गाड़ी घर के सामने खड़ी कर दिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन हराम पर बुनियाद रखा था अपने कारोबार की, अपने बिजनेस की, लोगों को धोखा दिया, हराम कमाया। उसके असरात ये हुए कि अल्लाह ने इसकी जिंदगी के, खुद की जिंदगी के सुकून छीने। और ऐसे भी वाकयात आ रहे हैं कि औलाद को अगर हराम कमा के दिया, मैं आपको, क्योंकि यहां पर मुझे सारी चीजें बयान नहीं कर सकता, मैं वक्त कम होता है, कई मां बाप ऐसे मिलेंगे कि औलाद को ऐशो आराम की जिंदगी दी, करोड़ों अरबों रुपये उनके लिए छोड़ा, और आज उनकी औलाद शराब और ड्रग्स में पकड़ी जा रही है, औलाद भी बुरे रास्ते पर चली गई। और फिर यही औलाद, कभी कभी ऐसा होता है कि यही औलाद जिनके लिए हलाल हराम को देखा नहीं, खूब कमाया, दिमाग में यह था कि मेरी औलाद सुकून से रहेगी और ये होगा वो होगा, यही औलाद फिर इसका सुकून छीन लेती है। और फिर हमने ये भी देखा है कि यही औलाद फिर ओल्ड हाउस में जाकर माँ बाप को छोड़ देती है कि ये बुड्ढे हमारे आराम में, हमारे सुकून में, हमारी मस्ती में दखल अंदाजी कर रहे हैं। फिर यही औलाद छोड़ देती है माँ बाप को ओल्ड हाउस में। ओ मेरे यारो, आओ, हराम कमाई ना बड़ी सुनहरी लगती है, क्योंकि हराम कमाई जब होती है तो बड़ा बंगला भी उसी से लगता है। कुरान ने क्या कहा, अरे अजीब अल्फाज कुरान ने कहा, कुल ए मोहम्मद कह दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तैयब, के हलाल और हराम, खबीस और तैयब, अच्छा और पाक, अच्छा पाक और नापाक, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, वलौ अजबक कसरतुल खबीस, कि अल्लाह ने कहा कि हराम माल की कसरत बड़ी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा लगता है ना, लोगों के पास एक घर नहीं, मेरे पास तो माशाल्लाह दो दो बिल्डिंग हो गई, दो दो बंगले हो गए, लोगों के पास टू व्हीलर नहीं, मेरे पास तो दो दो कारें हो गई, तो बड़ा अच्छा लगता है जब हराम आदमी कमाता है ना। तो कुरान कहता है कि वलो आजब कसरतुल खबीस, हराम माल की कसरत तुझे बड़ी अच्छी लगेगी। अल्लाह इशारा कर रहा है कि हराम माल की कसरत तुझे बड़ी अच्छी लगेगी, और बहुत अच्छा लगता है ना। कई लोग तो आपको मशवरा भी देते मिलेंगे, अरे भाई हलाल कमाई से कुछ नहीं हो सकता, या हलाल कमाई से कुछ नहीं हो सकता। सच बात है, हलाल कमाई से कुछ नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक घर हो पाता है, वरना वो भी नहीं हो पाता है। जी हाँ, लेकिन हलाल कमाई अपने अच्छे असरात जिंदगी में लाती है। और हमने देखा है कि जिन लोगों ने हलाल कमाया और अपनी औलाद को हलाल खिलाया, जिंदगी में अल्लाह ने उनको ऐसा सुकून दिया कि उनके जैसा सुकून करोड़ों पति और अरब पति हासिल नहीं कर सकते। और हराम बड़ा अच्छा लगता है, हराम खूब आता है तो बंगले भी बनते हैं, गाड़ियां भी आती है, नोटे भी आती है। अच्छा, हराम जब आता है तो अकल भी मारी जाती है, अकल भी मारी जाती है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल कहता है कि आप ताजिर हो, आप वकील हो, आप बिजनेसमैन हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी करते हो, आप नौकरी करते हो, लेकिन अकलमंदी और होशियारी यह है कि आप अपनी कमाई में हराम को आने मत दो, हराम को घुसने मत दो। आपको हराम कमाएंगे, आपको ऐशो आराम तो नजर आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह ऐशो आराम नहीं, यह जिंदगी का सुकून भी खत्म कर देगा। एक डॉक्टर, सोचें कि कयामत के दिन अगर मरीज ने मेरा दामन पकड़ लिया अल्लाह के दरबार में, तो मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। डॉक्टरी कितना अच्छा पेशा है, मसीहा कहा जाता है, मसीहा। मगर आज मसीहा क्या कर रहा है, जो काम गरीब का 50 रुपए की दवा में हो सकता था उसको 500 रुपए में डाल रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी मिसाल के तौर पर आई, मिसाल के तौर पर अगर उसको टाइफाइड, छोटी बीमारी मान लो टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, वो अगर 2-3 सलाइन में अच्छा हो सकता था, 1000 रुपए में अच्छा हो सकता था, आज मामूली सा टाइफाइड और मलेरिया को भी डॉक्टर 5000 में उतार रहा है ना। खून टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, पेशाब टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नया तरीका निकला है हराम कमाने का कि लिख दो उसको ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट। फिर जब वहां पर जब जाते हैं, मैं खुद मान लो मेरी शुगर टेस्ट करने जाता हूं, तो सबसे पहले वो जो लैब वाला है वो पहले पूछता है किस डॉक्टर ने भेजा है, तो मैं, भाई तुझे मेरा ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है ना,
शुगर नहीं टेस्ट करना है, किस डॉक्टर ने भेजा, ये क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब का नाम लिखकर रात में डॉक्टर साहब को कमीशन पहुंचाना है। डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि मेडिकल से जो तेरा कमीशन आ रहा है वो हराम है। डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि जो तेरा लैब से जो कमीशन आ रहा है वो हराम है, और जो तुम गरीबों को धोखा दे रहे हो और उनसे 5 की जगह 50 ले रहे हो, तो ये तुम हराम कमा रहे हो। हालांकि तुमने डिग्री तो हलाल की कमाई है। जी हाँ, उस चीज से तुम अपने दुनिया भी और आखिरत दोनों बना सकते हो। कारोबारी को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप वकील हैं, आज वकीलों को आप देखें कि उसको मालूम है कि जिसका मैंने केस लिया हूं ये एक नंबर का हरामी है और इसने गुनाह किया है। लेकिन वकील कहता है बोने को क्या लेने देना भाई, अपना क्लाइंट है। अब मैं अपने इल्म का, वकील ने सोचना चाहिए कि मैं अपने इल्म का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने इल्म का कातिल के लिए, जालिम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं अपनी हलाल कमाई को हराम उसमें शामिल कर रहा हूं। जबकि वकालत का पेशा भी इतना अच्छा है कि प्यारे आका ससलम ने फरमाया है कि अगर किसी वकील ने यानी किसी शख्स ने अगर किसी मजलूम को फांसी के फंदे से बचा लिया तो प्यारे आका ने फरमाया कि वो और मैं जन्नत में इतने करीब रहेंगे। ऐसा इशारा करके हुजूर ने बताया कि जन्नत में वो और मैं ऐसे करीब रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब है। लेकिन आज वकालत भी झूठ पर चल रही है। कौन सी चीज, हर चीज में हम धोखा दे रहे हैं। तो मेरे यारो, अल्लाह क्या कहता है, कुलू मिन तय्यिबात वअमलू सालिहा। अल्लाह कहता है पाक चीज खाओ, पाक खाओ, हलाल खाओ और अच्छे आमाल करो। जी हां, हराम कमाई के नुकसानात, अगर आप हराम कमाई से बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, जी हां, खिला भी रहे हैं और तालीम भी दिलवा रहे हैं, है ना। अब आपका और हमारा यह ख्याल होगा कि बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अरे हो सकता है कि यही बच्चे जिनको तुमने हराम माल खिलाया और हराम माल से ही इनको तालीम भी दिलवाई, तो वो तालीम भी इन पर असर नहीं करेगी। यही आपने देखा होगा, कई पढ़ी लिखी औलाद ऐसी है, माँ बाप को, मैंने एक बाप को देखा है, मेरे बहुत करीबी है, मैंने एक बाप को देखा है कि उसने तकरीबन अपने 4 या 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया, और एक एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में लाखों रुपए लगते हैं, कुछ को तो करोड़ों भी लगते हैं। अब अगर मान लो उसने 4-5 बच्चों को डॉक्टर बनाया, तो अपने उसने अपनी जिंदगी की 2 से 3 करोड़ रुपए उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं हाल यह है कि वो बच्चे बाप के साथ खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, बाप को सलाम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, बाप के सलाम का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन बाप की खैरियत पूछने को तैयार नहीं। अरे भाई, तूने तो बड़ी मेहनत किया ना, तू गौर कर कि तूने दुनिया को ही सब कुछ समझा था, तूने रुपया पैसे को ही सब कुछ समझा था, जानवर की तरह तूने मेहनत किया, हलाल हराम में फर्क नहीं किया, बस कमाया कमाया कमाया, खिलाया खिलाया लगाया। अब उसके असर आती है कि तेरी औलाद, तेरी खिदमत करना तो दूर की बात, तेरी खैरियत पूछने को तैयार नहीं और तुझे सलाम करने को तैयार नहीं। जी हाँ, हाँ, हलाल कमाई की बड़ी अहमियत है और हराम कमाई के बड़े नुकसानात है, बड़े नुकसानात है। आप समझें कि एक शख्स ने आपको रुपया देकर कोई चीज ली, पूरी कीमत देकर कोई चीज ली और आपने उसको धोखा दिया और जितनी कीमत लिया और वो आपने उतनी कीमत की चीज नहीं दी, या चीज दी तो आपने अधूरी दी, नाकिस दी, ऐब वाली दी, जो उतने के नहीं दी, है ना, आपने उससे ऐब छुपाया, तो आपने अपनी कमाई को हराम कर लिया। जी हाँ, साहबा की जिंदगी में मिलता है, बड़े बड़े कारोबार जैसे साहबा ने की मैं कह रहा था, साहबा की जिंदगी में मिलता है कि वो जब मार्केट जाते थे और कपड़े की भी तिजारत करते थे तो बाकायदा बताते थे ये इस कपड़े में ये नुक्स है, ये ऐब है, इसलिए ये इतने का है। ये मोबाइल है, आज मोबाइल का कारोबार बड़े जोर शोर से चल रहा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल थम गया है। मोबाइल बेचने वाले क्या कर रहे हैं कि ये मोबाइल बेच रहे हैं, इनके मालूम है कि ये मोबाइल की असल कीमत कितने की है सेकंड में, लेकिन उसको धोखा दे रहे हैं, है ना, और होशियारी समझ रहे हैं कि मैं बड़ा होशियार, मैं बड़ा चालाक है। नहीं, ये धोखा आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। जी हां, आप बकरी का गोश्त खा रहे हैं, बकरी का गोश्त हलाल है कि नहीं? अल्लाह वालों ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, भाई आप बकरी का गोश्त
हलाल है और सुअर का गोश्त हराम है। अब आप बकरी का गोश्त खा रहे हैं, माशाल्लाह हलाल खा रहे हैं, लेकिन वो भी आपके लिए हराम हो जाएगा कि अगर आपने उसको हराम कमाई से लिया है, आपकी कमाई हराम है ना। अब गोश्त तो हलाल है, बकरी का है, मुर्गे का है, चिकन का है, मछली का है, लेकिन आपकी कमाई हराम है ना। तो आप ये ना समझे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह मैं खिंजीर और सुअर तो नहीं खा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बकरी का गोश्त खा रहा हूं जो हलाल है। अरे भाई गोश्त हलाल है, लेकिन जिस कमाई से तूने वो गोश्त लिया है वो तेरी कमाई हराम है, तो वो तेरा गोश्त भी हराम हो जाएगा और वो हराम माल तेरे पेट में जा रहा है। रिश्वत पर आज आप देखें रिश्वत धूम से चल रही है, रिश्वत ले भी रहे हैं, रिश्वत दे भी रहे हैं और कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, है ना। और हम कमाई करते वक्त या नौकरी करते वक्त ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये नौकरी भी हराम है कि हलाल है, क्योंकि नौकरी भी हलाल और हराम रहती है। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह वालों ने बड़ी अच्छी मिसाल दी आलिमदीन ने कि आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और जाग रहे हैं और चौकीदारी कर रहे हैं, तो कितनी कड़ी ड्यूटी है, कितनी अच्छी ड्यूटी है और आप कितनी मेहनत से कमा रहे हो। लेकिन बाद में पता चला कि आप जो चौकीदारी कर रहे हैं या आप जो रात भर जागकर जिसकी हिफाजत कर रहे हैं, जिस माल की, वो माल ही चोरी का है। जी हाँ, आप डाकुओं के माल की हिफाजत कर रहे हैं। जिस जगह पूरा कारोबार चलता है, सूदी कारोबार चलता है, मिसाल के तौर पर बैंक, तो उलमा ने लिखा है कि बैंक में पूरा सूदी सिस्टम और सूदी निजाम चल रहा है, ब्याज का निजाम चल रहा है, सूदी कारोबार चल रहा है और आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप झाड़ू मार रहे हैं या आप उसके गेट पर खड़े हैं। उलमा कहते हैं कि आप तो झाड़ू मारने की पेमेंट ले रहे हैं लेकिन आप उस कारोबार में शरीक है, आप उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, आप वहां पर झाड़ू मार रहे हैं या आप वहां पर चौकीदारी कर रहे हैं जहां पर पूरा सिस्टम सूदी लेन देन से चलता है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हराम खा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं, ये भी हराम है। जी हां, नौकरी आपने रिश्वत देकर हासिल की और किसी का हक दबाया, है ना, अब आपकी पूरी कमाई आपके लिए हराम हो गई। जी मौलाना तारिक जमील साहब एक वाक्य सुना रहे थे कि एक शख्स ने, एक आदमी ने करोड़ों रुपए बनाए हराम आमदनी से, करोड़ों रुपए बनाए, आखिर उसका इंतकाल भी हो गया। मौलाना कहते हैं कि मैंने उनकी औलाद से जब मुलाकात की और उनकी औलाद से खैरियत पूछी तो उस वो हराम कमाई जो छोड़ कर गया था औलाद को करोड़ों अरबों रुपये, तो जब मैंने उनकी औलाद से खैरियत पूछी तो औलाद ने यह कहा कि मौलाना साहेब जिंदगी में एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा, अगर बाप ने हराम के बजाय हलाल देकर गया होता तो आज हमारी जिंदगी में सुकून होता। ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि हराम माल से बंगला बन जाएगा, कभी कभी लोग ये सोचते बेवकूफ, बस एक मरतबा अपना बंगला वंगला बन जाए और थोड़ा सा कारोबार वगैरह सेट हो जाए तो खतान के सब, फिर अपन सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। अरे वो बुनियाद तूने जो रखी है वो हराम माल से रखी है, हराम कमाई से रखी है। आज सूद में, सूद को हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, जबकि प्यारे आकाश ने फरमाया कि सूद 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 को हम ब्याज को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अच्छे अच्छे नमाजी दाढ़ी वाले, दावत के काम करने वाले भी कुछ ऐसे साथी हैं, दीन के काम करने वाले भी, जो बकायदा सूद पर पैसा दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं। कुछ इलाकों में मैं गया, जानबूझ के नाम नहीं मैं बोलूंगा, कि वहां पर अच्छे अच्छे नमाजी और जिम्मेदार किस्म के लोगों का कारोबार है सूद पर पैसा देना और ब्याज खाना, जबकि सूद कुछ शरीयत ने कितना खतरनाक बताया है। सूद के बारे में प्यारे आकाश ने फरमाया कि सूद का अदना दर्जा यानी अदना गुना यह है, अपनी सगी मां के साथ 70 मरतबा जिना करने के बराबर है सूद का अदना दर्जा। और आज हम सूद को कुछ नहीं समझ रहे हैं, ब्याज को कुछ नहीं समझ रहे हैं, लोन ले रहे हैं हम सूद पर, कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैंने मेराज के बयान में भी कहा, जी हां, कि जब प्यारे आका सल्लम जब जा रहे थे तो आपको जन्नत का नजारा भी दिखाया गया और किन किन लोगों को किन किन चीजों की वजह से अजाब हो रहा है वो भी दिखाया गया। तो उसमें प्यारे आका सल्लम को दिखाया गया, देखो कितने खतरनाक असरात होते हैं हराम माल के जब पेट में जाता है। प्यारे आका सल्लम को दिखाया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पेट ऐसा बड़ा है गुंबद की तरह और उस पेट में अजदहे हैं जो उन्हें डस रहे हैं और ये तड़प रहे हैं। जिब्राइल से पूछा हुजूर पाक सल्लम
ने, हुजूर ये कौन लोग हैं जिनको इतना खतरनाक अजाब दिया जा रहा है? तो जिब्राइल ने कहा कि हुजूर ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में हराम कमाया, हराम खाया और पेट में हराम डाला। जी हाँ, आज हम सूद को कुछ नहीं समझ रहे, जबकि सूद के बारे में प्यारे आका फरमाते हैं कि अपनी अदना दर्जा यानी सूद का छोटा गुना अपनी सगी मां के साथ 70 मरतबा मुंह काला जिना करने के बराबर है। अल्लाह ने कहा कि मैंने तिजारत को हलाल किया है और सूद को, ब्याज को तुम्हारे लिए हराम किया है। जी हाँ, बैंक में रखकर कुछ लोग सूद खा रहे हैं, 5 लाख रखें 10,000 रुपए महीना आ रहा है। जी हाँ, और कुछ लोग तो कहते हैं क्या करें, मजबूर है, बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं और कमाने का कोई रास्ता नहीं, तो उसके लिए जो 5 लाख थे, 2 लाख थे, उसके बैंक में रख दिए और बैंक से जो ब्याज आता है उस पर घर चल जाता है। अल्लाह के बंदो, वो जो 5 लाख बैंक में रखकर उसका जो 10,000 रुपए जो सूद खा रहा है, यही तो हराम है, यही तो ब्याज है। हाँ, इसी 5 लाख को कारोबार में लगाकर 50,000 कमा, ये तेरे लिए हलाल है। जी हाँ, ये तेरे लिए हलाल है। जी, तो हराम कमाई को और हलाल कमाई को आप पूरी तरीके से ध्यान दो, बल्कि मैं और हम सबको गौर करना चाहिए। कभी कभी आदमी को ये लगता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह मैं तो एकदम एकदम मस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोई हराम काम हराम कारोबार नहीं है। लेकिन हराम कारोबार आपका शराब का तो नहीं है, आपका ब्याज का तो नहीं है, आपका सट्टे का तो नहीं है, आपका पत्ते का तो नहीं है, आपका ड्रग्स का तो नहीं है, हराम कारोबार आपका कोई बड़ा तो नहीं है। लेकिन हराम सिर्फ वही नहीं है, बल्कि हराम ये भी है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, हराम। आप नौकरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हराम। आप टीचिंग कर रहे हैं, 8 घंटे की पेमेंट ले रहे हैं, 6 घंटे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका वो 2 घंटा आप हराम कमाई अपने माल में शामिल कर रहे हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और अकलमंद अगर आप हैं, अकलमंद अगर आप हैं, तो फिर अकलमंदी यह है कि आप अपने माल में हराम को मिक्स होने न दें। जैसे मैंने कहा ना कि एक गिलास दूध का, बेहतरीन दूध का गिलास, और आपसे आपके उस गिलास में कोई एक कतरा पेशाब डाल दें और ये आपसे कहे क्या फर्क पड़ता है यार, पूरा दूध इतना जबरदस्त, इतना क्लीन है, इतना प्योर दूध है, एक कतरा पेशाब से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप नहीं पिएंगे। लेकिन आप कभी गौर नहीं कर पा रहे कि आपकी माशाल्लाह आपकी कमाई हलाल है, लेकिन वो 98% हलाल है, लेकिन 2% भी अगर आप धोखा देकर कमा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि 2% वो आपकी हराम कमाई जो धोखा देकर, फ्रॉड करके, बेवकूफ बनाकर, किसी को धोखा देकर आप कमा रहे हैं, तो वो 2% भी अगर आपकी हराम मिक्सअप आपके 98% में हो रही है, तो ये आपके 98 हलाल कमाई के अच्छे असरात को खत्म कर रही है और बुरे असरात को ला रही है। बस आखिरी बात कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक मिसाल दे दूं, मैं अच्छी भी नहीं लगती मुझे मिसाल देना, कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि कई लोग बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं और उन्होंने लोगों को धोखा देकर कमाया, तो अल्लाह ने उनके घरों में उनकी औलादों को ऐसा पैदा किया कि उनकी जिंदगी का पूरा सुकून खत्म हो गया, पूरा सुकून खत्म हो गया। और हमने ऐसे गरीबों को भी देखा है कि जो झोपड़े में पैदा हुए, जिंदगी भर मिट्टी और लकड़ी के मकान में गुजारे, लेकिन हलाल कमाई की और हराम लुकमे को अपने हलक में उतरने नहीं दिया। अल्लाह ने औलाद ऐसी दी कि उस औलाद ने इनकी दुनिया का भी सुकून उनको दिया और आखिरत का सुकून भी उनको दिया। ये आखिरत का सुकून इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमने हराम माल पर औलाद को छोड़कर चले गए तो हमने कोई अकलबंदी नहीं की, बल्कि अगर हमने हराम माल औलाद को छोड़कर चले गए, पीछे छोड़कर चले गए, तो धूम से ये खाएंगे कमाएंगे, लेकिन जूते हमको पड़ेंगे। हम कोई अकलमंद नहीं है, होशियार नहीं है। तो बस इतना ही कहूंगा कि हर तरह के हराम माल को अपने हलक में उतरने न दो। और आखिर में फिर वही हदीस सुनाऊंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो गोश्त
जन्नत में नहीं जा सकता जो हराम से परवरिश पाए, यानी वो बॉडी वो बदन जन्नत में नहीं जा सकती जो हराम माल से परवरिश पाए। तो आज तय कर लो कि हम अगर फ्रूट भी बेच रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, तो गलत तरीके से नहीं बेचेंगे, धोखा देकर गलत चीज़ उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर कोई ख़राब माल है, आपको लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ी होगी, ये तो नुकसान होगा, लेकिन ख़राब माल है, आप उसको कह दो कि इसमें इतनी खराबी है, इतने परसेंट खराबी है, इस वजह से इसकी इतनी कीमत है। या मैंने कई लोगों का, तो कभी लोग कहते हैं अरे मुफ्ती साहब अगर ऐसा कारोबार करेंगे और दुकान खोलेंगे तो 8 दिन में उद्घाटन और 8 दिन के बाद में बैदघाटन, कारोबार ही नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब मैं रोज़ा नमाज सब पढ़ता हूँ, माशाल्लाह ज़कात भी देता हूँ, हज को भी जाता हूँ, 10 उम्रे भी किया हूँ, लेकिन कारोबार तो यार दुनिया के उसूल से करना पड़ता है। नहीं, ये आपके दिमाग की खराबी है। नबी ने कारोबार करके दिखाया, साहबा ने कारोबार करके दिखाया, और ये रिलायंस, ये टाटा अंबानी और अडानी उनके पैरों की धूल भी नहीं थे, ऐसा भी साहबा ने कारोबार किया है, और आज भी कुछ लोग ऐसा कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह ने हलाल में भी उनको इतनी बरकतें दी है कि उनको पता नहीं है कि उनके पास दौलत कितनी है। आप कमाओ तो सही और तय कर लो। शुरू शुरू में हो सकता है अल्लाह इम्तिहान भी लेगा, अगर ज़्यादा ईमानदारी पर आएंगे तो इम्तिहान भी होगा और नुकसान भी नजर आएगा, मगर ईमान आपका पुख्ता होगा और आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर कि अल्लाह ने हलाल का हुक्म दिया है और आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर हलाल कमाओगे, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद उसके अच्छे असरात आपको खुद को भी जिंदगी में दिखाई देंगे और आपकी औलाद को भी दिखाई देंगे और आपको मरने के बाद भी हलाल कमाई के अच्छे असरात दिखाई देंगे, वरना फिर हराम कमाई के बड़े बुरे नुकसान है। क्योंकि प्यारे आका ने यह भी फरमाया है कि जो बदन, जो जिस्म, जो गोश्त हराम माल से पला बड़ा हो उसको जन्नत में दाखिल होने का हक नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वह कुल्लू लहम नबत मिन सुहती कानत नारु औला बिही, कि वो बॉडी, वो जिस्म, वो गोश्त जो हराम माल से पला बड़ा हो उसके लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाई नसीब फरमाए और हराम लुकमों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हराम लुकमों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लफ्जिशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा, मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा और हराम लुकमों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हराम लुकमों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला आज हराम माल हमारी कमाई में मिक्स हो रहा है और हमें खबर भी नहीं है। मेरे मौला हमें तौफीक दे कि हम अपनी कमाई को हराम माल से बचा पाए। मेरे मौला हराम कमाई हराम लुकमा हलक में उतरता है तो नमाजें दुआएँ कबूल नहीं होती। मेरे मौला तो हराम लुकमों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला आज जालिम मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, काट रहे हैं, पूरी उम्मत दुआएं कर रही है मगर दुआएं भी कबूल नहीं कर रही हो रही है। वजह उसकी यह है कि तूने, तेरे नबी ने कह दिया है कि तुम्हारे हलक में हराम उतरेगा तो मैं दुआएं भी कबूल नहीं करूँगा। आज उम्मत के हलक में